सबको जय यीशु। पुनः एक बार बाइबल सीरीज के आज के इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। बाइबल सीरीज के आज के इस कड़ी का ग्रंथ है नहमिया का ग्रंथ, और इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सत्संचार स्टूडियो में मौजूद है श्रद्धेय फादर प्रीतम मंतेरो। श्रद्धेय फादर प्रीतम बरेली धनप्रांत के एक युवा पुरोहित हैं। वर्तमान में वो बहेड़ी जगह में होली क्रॉस चर्च में पल्ली पुरोहित के हैसियत से कार्य कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि आज वह हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फादर प्रीतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सत्संचार स्टूडियो में स्वागत करने के लिए आपको भी धन्यवाद फादर। धन्यवाद, थैंक यू। तो फादर जी, आपसे पहला प्रश्न करते हैं कि नहमिया का ग्रंथ का नाम नहमिया क्यों पड़ा और कैसे पड़ा? इतिहास के जो पुराने ग्रंथ हमारे हैं बाइबल में जी, उस ग्रंथ का नाम उसके मुख्य किरदार है, उस किरदार के नाम को लिया जाता गया है जी। उसी प्रकार नहमिया ग्रंथ का भी जो मुख्य किरदार है वो नहमिया है, इसलिए नहमिया ग्रंथ का नाम नहमिया है। और हम देखते हैं तीसरी शताब्दी में ग्रीक ट्रांसलेशन अनुवाद में इस किताब का नाम नहमिया है जी। और हम लोग देखते हैं कि हिब्रू बाइबल में भी इसका नाम नहमिया ही है जी। यहूदियों ने इन एज्रा और नहमिया ग्रंथ को एक साथ रखा, क्योंकि उन्होंने पाया ऐतिहासिक निरंतरा जो इसमें पाया गया है, इसलिए उन्होंने इस एज्रा और नहमिया ग्रंथ को एक साथ रखा जी। और विश्वासियों ने इस ग्रंथ को, इन दोनों ग्रंथ को जुड़वा समझ माना है जी। और इसका नाम उन्होंने रखा पहला एज्रा और दूसरा एज्रा जी। और नहमिया का दूसरा एज्रा नाम दिया जी। और चौथे शताब्दी में जोरब ने, उन्होंने जो दूसरा एज्रा नाम दिया गया था उसको हटाकर नहमिया ग्रंथ दिया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम नहमिया पड़ गया। तो नहमिया ग्रंथ के लेखक यानी नहमिया है या कोई और है? हम स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते ये नहमिया ग्रंथ किसने लिखा है जी, लेकिन जब हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं हम इसमें आत्मकथात्मक शैली को पाते हैं जी। इसलिए हम देखते हैं अध्याय एक वाक्य एक में पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं। हाँ जी जी, हकल्या के पुत्र नहमिया का चरित्र इस प्रकार इन्होंने इसको लिखा है। और आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि इस पहले व्यक्ति के रूप में इस ग्रंथ को लिखा है जी, आगे फर्स्ट पर्सन जी, इसलिए हम कह सकते हैं ये ग्रंथ नहमिया ने लिखा एक है। एक विचार हो सकता है कि नहमिया ने इस ग्रंथ को लिखा, लिखा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। हाँ, निश्चित ये एक अनुमान लगाया जा रहा है जी। ठीक है, तो नहमिया शब्द का अर्थ क्या है, जरा इस पर प्रकाश डालिए। नहमिया शब्द का अर्थ है ईश्वर सांत्वना देता है जी, आराम देता है, सुकून देता है जी। अगर हम नहमिया के बारे में अगर देखेंगे जी, इस नहमिया ने, नहमिया तीन प्रकार के भूमिका निभाते इस ग्रंथ में जी। पहला है कप बेरर जो अंगूरी प्रबंधक जी, और दूसरा है निर्माण कार्य करने वाला, और तीसरा है गवर्न करने वाला। और कप बेरर वो व्यक्ति है जो राजा के बहुत करीब रहता है, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति है जो कप बेरर, जो अंगूरी प्रबंधक, उसका काम है राजा को अंगूरी परोसने का और खाना पीने का व्यवस्था करने का। ये इसलिए कि कोई भी व्यक्ति राजा को जहर डाल के मार भी सकता है इस प्रकार के, इसलिए वो व्यक्ति है बहुत क्या बोलते हैं विश्वसनीय व्यक्ति है जी। तो उस पोजीशन को, उस स्थान को पाने के लिए उसको सुशिक्षित होना जरूरी है जी। और सुसंस्कृत भी होना जरूरी है जी।
और संहिता का पूरा ज्ञान होना भी जरूरी है, और राजनीति में भी माहिर होना जरूरी है उस व्यक्ति को, और उसको सुंदर और हैंडसम होना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा राजा के साथ रहता था, इसलिए ये योग्य व्यक्ति है। जी धन्यवाद सर जी। इसमें शायद एक चार दीवारी के पुनर्निर्माण की भी बात कही गई है इस ग्रंथ में, तो किस प्रकार से इस कार्य का प्रारंभ होता है या किस प्रकार से आगे बढ़ता है? अगर हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे या पूरा देखेंगे तो हम इस ग्रंथ को तीन भागों में बांट सकते हैं। जी। पहला है वो चार दीवार का निर्माण कार्य करता है। जी। दूसरा है वो धार्मिक और सामाजिक का सुधार करता है। जी। और तीसरा है वो फिर से लोगों को बसाता है। ये तीन कार्य वो करता है इस ग्रंथ में। जी। अगर हम देखते हैं इस ग्रंथ में किस प्रकार वो ये कार्य को शुरू करता है। जी। पहला है वो खोजता है। जी। दूसरा है वो रोता है। जी। तीसरा है वो प्रार्थना करता है। जी। चौथा है वो ये यात्रा करता है। जी। और पांचवा है वो निर्माण करता है। जी। वो किस तरह खोजता है अगर हम देखेंगे तो उसका भाई अनानी यहूदा से आता है उसके पास, तब वो उससे पूछता है, जो निर्वासन से लौटे हुए यहूदी और यरूशलेम के विषय में वो पूछता है, जो लोग वहां पर हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं। तब उसका जवाब होता है, हम पढ़ते हैं, तो निर्वासन से लौटे हुए वो उस प्रांत में रहने वाले यहूदी बड़े कष्ट और सोचनीय दशा में जीवन बिताते हैं। यरूशलेम की चार दीवारी गिरा दी गई और उसके फाटक आग में जला दिए गए। ये सुनकर वो तुरंत रो पड़ता है और बहुत ही उदास होता है, और ये उदासी एक दो दिन का नहीं, बहुत लंबे समय का उदास रहता है, और वो उपवास करता है और प्रार्थना महीनों तक करता है। तब भी उसको एक बार वो राजा के पास जाता है, हर समय जाता है, लेकिन वो अपना दुख को व्यक्त नहीं करता है, लेकिन इस बार वो व्यक्त करते है, उदास होकर वो राजा के पास जाता है। तब राजा पूछता है, क्यों उदास है? तब वो मन में प्रार्थना करता है, बोलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करता है और बोलता है, यरूशलेम में चार दीवारें गिरा दी गई है और लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो वो उधर जाकर उस दीवार को फिर से बनाना चाहता है। इसलिए वो राजा उसको अनुमति देता है और वो उस यरूशलेम की ओर यात्रा करता है। जब यात्रा करने के बाद वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो ये बताता नहीं सबको, मैं उस दीवार को बनाने आया हूं, लेकिन वो तीन दिन के बाद रात को निकलता है, रात को निकल के और उस जगह को देखता है, निरीक्षण करता है कि और योजना बनाता है किस तरह इस दीवार को फिर से बनाया जाएगा, और फिर से वापस आता है और लोगों को इकट्ठा करता है, और लोगों को इकट्ठा करके उस दीवार को निर्माण करने के लिए तैयार शुरू करता है। जी, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा कार्य उन्होंने आरंभ किया ना, नवीन ने, मैंने। हाँ जी। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा कार्य ऐसे हम लेते हैं तो बहुत सी चुनौतियां आती हैं, बहुत से बाधाएं आ सकते हैं, तो नेहमिया ने किस प्रकार के बाधाओं को का सामना किया और किस प्रकार से उन्होंने सामना किया? ये सहज ही बात है, जब हम कुछ भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, उसी प्रकार ये बहुत बड़ा कार्य था, तो इसलिए उसके विरोध में भी वो परेशानी आई। पहला परेशानी जो उसके आसपास के निवासी के लोग थे, तो उन्होंने उसको विरोध करना शुरू कर दिया ताकि वो दीवार ना बना पाए। फिर आखिरी में उसको उनको षड्यंत्र बनाने लगे वो दीवार ना बनने के लिए, लेकिन फिर भी नहेम्या डटे रहा और प्रार्थना करते रहा और अपने उस कार्य को आगे बढ़ाया। दूसरे लोग हुए थे, लोग आपसी झगड़ा, उनके बीच ही झगड़ा हो गया, झगड़ा का कारण बन गए कुछ परिस्थितियां। पहला ग्रुप है वो
अपने परिवार के लिए खाना नहीं दे पाते थे जी, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी। और दूसरे ग्रुप के लोग थे, खाना खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था जी। और तीसरे प्रकार के ग्रुप के लोग है, वो कर्जे में डूबे थे जी। और कुछ लोग, उनका हैवी टैक्स था तो उनको टैक्स नहीं भर पा रहे थे, लगान वो नहीं भर पा रहे, जिसके कारण इस उनके आपस में ही एक प्रकार का माहौल बन गया था, झगड़ा और अशांत का माहौल बन गया था। और तीसरे वो व्यक्ति है, नियम के विरुद्ध शत्रुओं के षड्यंत्र, जो लोगों ने पहले बताया इसको नहीं बनाना है, लेकिन जब वो बनने लगा तो इनको और प्लानिंग करने लगे और षड्यंत्र रचने लगे कि किस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि इस नहेमिया को वो वापस दूसरे जगह पर बुलाए, यरूशलेम से ले बाहर लेके जाके उनको कुछ मारने के या अन्य प्रकार के परेशानी करने के लिए सोचा। लेकिन नहेमिया जान गया कि उनकी सोच क्या है, इसीलिए वो उस उनके साथ नहीं जाता है, वो निर्माण के कार्य में डटे रहता है, जो कार्य उन्होंने शुरू किया उसी में लगे रहते हैं, अन्य बातों को सोचता नहीं। लेकिन ये भी नाकाम हो गया उनका, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर से यरूशलेम में जो व्यक्ति है उनके साथी है उनको एक घूस दिया और उनको उत्साह कि उसको कुछ करने के लिए। तो उन्होंने बताया इस नहेमिया से, आपको मार डालने के लिए बाहर से आ रहे, तो आप मंदिर में जाके छुपिए, जो जहां किसी को जाना अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है, उस जगह पर जाकर चुप जाने के लिए वो बोलता है। इस प्रकार उसका नाम खराब करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये उसमें भी नहीं पड़ता है जी। और वो प्रार्थना करता है और जो कार्य हिम्मत के साथ करता है, आगे बढ़ता है। इस प्रकार उन्होंने 52 दिनों में उन्होंने वो चार दीवार का निर्माण किया। तो एक तरह से कि अपने लक्ष्य से वो हटे नहीं, डटे रहे और ईश्वर की आशीष पर, कृपा पर उन्होंने भरोसा किया और वो जो कार्य उनको सौंपा गया ईश्वर के जरिए, उस पर वो लगे रहे जी। तो ईश्वर भी जरूर मदद करता है ऐसे लोगों को, तो हमें भी सीखने की जरूरत है इससे। तो एज्रा और नहेमिया द्वारा धार्मिक, कहा जाता है कि धार्मिक सुधार उन्होंने लाने की कोशिश की और समाज में सुधार लाने की कोशिश की, तो इस पर जरा प्रकाश डाली कि क्या, किस प्रकार से सुधार लाने की कोशिश की उन्होंने। इस प्रकार शुरुआत की जी, बाइबल के पाठ को पढ़कर जी, लोगों के सामने पुराने विधान के पाठों को लोगों के सामने पढ़ा, पूरे आधा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा दिन उन्होंने इस पाठ को पढ़ा एज्रा और नहेमिया ने, और लोगों ने इसको ध्यान पूर्वक सुना जी। ये नहीं कि ऐसे ही, लेकिन उन्होंने ध्यान पूर्वक उस वचनों को सुना। और नहेमिया और एज्रा ने इतना नहीं, उस वचनों को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, उसके बारे में बताया, व्याख्या भी किया जी। और उनको समझाया वचन क्या कह रहा है। ऐसे फिर उन्होंने एक त्योहार मनाया, शिविर का पर्व मनाया जी। शिविर का पर्व वो पर्व है जब वे ये लोग मरुभूमि में भटक रहे थे, वहां पर रहने के लिए उन्होंने एक पत्तों का झोपड़ी टाइप बनाया था उन्होंने जी। और उसके अंदर रहते थे, उसको यादगार में उन्होंने ये पर्व मनाया जी। सिर्फ वो यादगार में नहीं, उन्होंने ईश्वर की सुरक्षा को उस शिविर में, जो टेंट है, जो झोपड़ी है, उसमें उसको अनुभव किया, जिसके कारण वो याद करते हुए वो पर्व को मनाए। इतना ही नहीं, जब वे प्रतिज्ञात देश है वहां पर जाने के बाद जो उनको सुविधाएं मिली, जिसका आदर ने भी ये शिविर का पर्व मनाने लगे। उसके बाद वे इतना ही नहीं, पर्व के ही नहीं रुके, फिर इन्होंने प्रायश्चित का दिन मनाया, जिसमें उन्होंने अपने पापों को याद किया और उपवास करते हुए, सिर्फ ऐसे ही नहीं, उपवास करते हुए टाट ओढ़कर उन्होंने इस पश्चाताप की अपने पापों के लिए। और नहेमिया और एज्रा ने ये आदेश दिया कि मूसा के ग्रंथ को, संहिता को पालन करने के लिए इन लोगों को आदेश दिया।
जी। इस प्रकार इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार लाया। अच्छी बात है। तो फादर जी, ये नहमिया ने लोगों को फिर से बसाया ना, उनको पुनर्वास कराया उनका, तो इस पर जरा सा प्रकाश डालिएगा। जब इन्होंने देखा चार दीवार का निर्माण तो हो गया जी, और सामाजिक और धार्मिक सुधार भी आ गए, लेकिन एक समस्या थी जी। इसमें क्या समस्या थी? जनता के नेता यरूशलेम के, वो सब यरूशलेम में रहने लगे जी। लोग कोई नहीं जी। तो इसलिए वो सोचता है कि लोगों को भी यरूशलेम में रहने के लिए एक मौका दिया जाए, इसलिए वो चिट्ठी डालता है। चिट्ठी डालकर उनको आमंत्रित करता है। इस पर 10 लोगों में से एक व्यक्ति को यरूशलेम में रहने के लिए मौका मिलता है, मौका दिया जाता है, पुनर्वास करता है। ठीक ठीक। तो आपने इस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ा है, जिस तरह से आपने हम अभी तक जो प्रश्नों का उत्तर दिया है उससे प्रतीत होता है कि बहुत अच्छी तरह से आपने इस ग्रंथ को पढ़ा है। तो मैं चाहूंगा कि अंत में आप हमारे दर्शकों को जो जो सार आपने ना निचोड़ा है इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद, उसके जरिए आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को दीजिएगा। जब मैं इस ग्रंथ को पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, जब मुझे देखने को मिला नहमिया, शायद कभी वो यरूशलेम गया नहीं होगा जी। वो राजा के पास ही था जी। और एक अच्छा स्थान भी है राजा के साथ रहना, लेकिन फिर भी जब उसको लगता है, पता चलता है वो कष्ट में है, उसका हृदय नम्र होकर उन लोगों के प्रति दयालु बन जाता है और वहां जाकर कार्य करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, वो तैयार करने अपने से सोचता नहीं, लेकिन वो जानने के लिए कोशिश करता है ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर क्या चाहता है। सिर्फ वो सोचता नहीं ईश्वर क्या चाहता है, लेकिन उसके लिए वो उपवास रखता है और प्रार्थना करता है। ईश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें अपने जीवन में भी जानने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है, कुछ भी कार्य करने से पहले। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन को परिवर्तन करना है, सुधार लाना है, तो हमें पवित्र बाइबल को हमें पढ़ना है, सुनना है और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है, तभी हमारे जीवन में आध्यात्मिक बदलाव आ सकता है और हम नेक कार्य प्रभु ईश्वर चाहते उस कार्य में चलने के लिए हमें कृपा मिल जाती है जी। धन्यवाद फादर प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने जिस प्रकार से इस चर्चा में भाग लिया और जिस प्रकार से आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है, प्रतीत होता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया इस ग्रंथ का और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। और मैं समझता हूँ, विश्वास करता हूँ कि दर्शक आप भी इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं इस चर्चा से, और बड़े रुचि के साथ आपने इसमें भाग लिया, सुना इस चर्चा को। तो मैं आप सभी दर्शकों की ओर से फादर प्रीतम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे आपकी पुरोहिताई जीवन के लिए कि बहुत अच्छे पुरोहित रहे आप, और इसी तरह से आप लोगों की सेवा तन मन से करते रहें। तो प्रिय भाई और बहनों, आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और मैं समझता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को भी आनंद आया होगा इस चर्चा को सुनकर, और इस ग्रंथ को पढ़ने में आपको और भी अधिक सरलता और आनंद आएगा। तो इसी के साथ पुनः एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और औरों के साथ भी बांटिएगा। पुनः एक बार आप अगले सप्ताह मिलेंगे हम एक नए ग्रंथ के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जय सू।